हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप जब आधार कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है ये चेक करने जा रहे हैं, तो मोबाइल नंबर की जगह NQLLQ लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो है हम आधार कार्ड का मोबाइल नंबर लिंक कौन सा है ये चेक करने के लिए गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नल लिखा हुआ आ रहा है। तो इसी तरह जो है बहुत सारे लोगों का नल लिखा हुआ आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं UIDAI.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर इस वेबसाइट में आने में कोई दिक्कत हो रही है तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से सीधे आप पहुंच जाइएगा। अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप वर्जन में कर लेना है। डेस्कटॉप वर्जन में करने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह थ्री डॉट रहेगा, इसमें क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है, वहां पर लिखा होगा डेस्कटॉप साइट, उसमें आपको क्लिक कर देना है। उसमें क्लिक करते ही आपको डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप साइट में ओपन होने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार सर्विस लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार अपना आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है किस प्रकार चेक कर सकते हैं, फिर आपको जो है वो जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आपको आधार सर्विस में यहाँ आप देख सकते हैं वेरीफाई एंड आधार नंबर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का एक पॉपअप मैसेज शो होगा, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड, ये जो है कैप्चा कोड, यहाँ पर फिल कर देना है। चलिए फिल कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। फिर आपको डालने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका लिखा हुआ आएगा आधार वेरिफिकेशन इज कम्प्लीट, और नीचे जो है यहाँ पर आपका एज बैंड दिया होगा, जेंडर आपका दिया है, आपका स्टेट दिया हुआ है। फिर नीचे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर पर NQLL लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ जाना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर का 4 डिजिट यहाँ पर दिखाई दे रहा था पहले, लेकिन अभी जो है NQLL लिखा हुआ आ रहा है, कोई भी चेक कर रहा है तो इसी तरह आ रहा है। तो आपको बता दें ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है वेबसाइट का प्रॉब्लम है, ये आधार का जो वेबसाइट है UIDAI उसी का प्रॉब्लम है ये, कि कोई आपका जो है आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है वेबसाइट में कोई बग आ गया होगा जिस कारण से ये आपका NQLL लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको जो है कुछ दिन वेट करना है, या तो आप अभी चेक कर रहे हैं तो या सुबह आप चेक करके एक बार देख लीजिए, या शाम को, अगर सुबह देख रहे हैं तो एक बार शाम को आप देख सकते हैं कि वेबसाइट में जो है प्रॉब्लम के चलते ये आ रहा है। तो जैसे ही वेबसाइट में सुधार होगा आपका जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर शो होने लगेगा। तो इस प्रकार जो है आप अपना आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो चेक कर सकते हैं बिना OTP के माध्यम से, और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर का 4 डिजिट दिखाई देगा, और ये जो NQLL लिखा हुआ आ रहा है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ये वेबसाइट का प्रॉब्लम है जिस कारण से आपका NQLL लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको कुछ दिन वेट करना है, जैसे वेबसाइट में सुधार होगा आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर शो होने लगा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।